हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो आज का टॉपिक है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। हम लोग समझ जा रहे हैं बुक बिल्डिंग क्या मतलब क्या होता है, उसका प्रोसेस, उसका एडवांटेजेस और वो कैसे अनदर मेथड जो कि है फिक्स प्राइस मेथड से अच्छा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई VPN ऐप यूज़ करना चाह रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री हो, तो आप ये की VPN ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं लगता इसको यूज़ करने के। और VPN ऐप का फायदे मैं आपको बता दूं कि इस VPN ऐप यूज़ करने से आप इंटरनेट के वर्ल्ड में स्कैम होने से बच जाते हैं, आप हैक होने से बच सकते हैं, अपना IP एड्रेस चेंज कर सकते हैं आप दूसरे कंट्री से लॉग इन करके, फिर बहुत सारे जो सुविधा आपके उपलब्ध नहीं है उस कंट्री में वो भी आप चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो बुक बिल्डिंग सबसे पहले समझते हैं कहां से आता है, कहां से एंटाइटल्ड वर्ड। अगर आप बिल्कुल नहीं जान रहे हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको मैं पूरा समझा दूंगा बुक बिल्डिंग और IPO से रिलेटेड क्या आपको समझना चाहिए। तो एक्चुअली जब कोई कंपनी पब्लिक होती है, मतलब कि IPO अपना लॉन्च करती है, तो IPO कब लॉन्च करेगी, जब कोई कंपनी एक मिनिमम टाइम तक चलती आ रही हो और 1-3 साल से प्रॉफिट कमा रही हो और कुछ शर्तें होती हैं आपके NSE की, BSE की, जब वो शर्तें फुलफिल हो जाती हैं तो कोई भी कंपनी अपने आप को लिस्ट कर सकती है, पब्लिक हो सकती है और IPO अपना लॉन्च कर सकती है। तो अब IPO लॉन्च करते समय अपने एक शेयर का दाम क्या रखे एक कंपनी, वो सोचने का पॉइंट आ जाता है। तो उसके दो तरीके होते हैं कि एक कंपनी अपने प्राइस का, कुछ शेयर का दाम रख सके। सबसे पहला होता है फिक्स प्राइस मेथड। फिक्स प्राइस मेथड क्या हुआ, दिमाग में जो आया, अच्छा 50 रुपया, 500 रुपया, 5000 रुपया, जो मन किया रख दिया, ये कंपनी के ऊपर है, आप कुछ भी रख सकते हैं, फिक्स प्राइस रहता है, मतलब कुछ डिस्काउंट कम ज्यादा कुछ नहीं, जो दाम रख दिया, लेना है तो लो, नहीं लेना मत लो, सिंपल है। और दूसरा होता है ये बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग में क्या होता है कि एक रेंज सेट किया जाता है प्राइस का, एक जिसको मिनिमम होता है और मैक्सिमम होता है। मिनिमम को कहते हैं हम लोग फ्लोर प्राइस और मैक्सिमम को कहते हैं सीलिंग प्राइस, ये कैप प्राइस भी कहा जाता है, मतलब आप समझ लीजिए नीचे फ्लोर है ऊपर सीलिंग है। तो फ्लोर प्राइस हो गया आपका मिनिमम प्राइस और सीलिंग प्राइस हो गया आपका मैक्सिमम प्राइस, जो कि रेंज सेट कर दिया जाता है। मान के चलिए 100 से 120 130, 100 आपका फ्लोर प्राइस हो गया, 130 रुपये आपका सीलिंग प्राइस हो गया। तो अब यहाँ पे आपको एक रेंज सेट करके दे देती है कंपनी अपने IPO लॉन्च करते समय, और इन्वेस्टर को बोलती है कि आपको जितना वैल्यूएबल लगता है हमारा शेयर, आप उतने वैल्यू पे इन्वेस्ट करिए। अब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ, तो अभी SBI कार्ड्स का आपको IPO आया हुआ है, तो अगर SBI कार्ड का IPO का अगर बात करें तो उसके IPO में बुक बिल्डिंग प्रोसेस है। उसमें क्या हो रहा है, रेंज क्या दिया हुआ गया है SBI के द्वारा, 750 to 755। तो ये बहुत क्लोज कॉल है, ऐसा बहुत IPOs में नहीं होता, कम से कम 10-15-20% तो रेंज रहता ही है, ये कुछ ज़्यादा ही एकदम कट टू कट, मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बाकी कंपनीज में 10-15% हो जाता है डिफरेंस उनके फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस में। तो जब कुछ ऐसा हो तो उसके बेसिस पर इन्वेस्टर अपना देख करके कि वो कितने प्राइस पे वो खरीदना चाहता है, उस प्राइस पे वो इन्वेस्ट कर देता है। मान के चलिए मेरे को वो शेयर का दाम 105 रुपये फिट लगा, मैंने 105 रुपये का रेट से पे कर दिया, और किसी को 125 रुपये से लगा, उसने 125 रुपये से पे कर दिया। कंपनी को बाद में पता चला कि नहीं, उसके शेयर का दाम जितने लोगों ने खरीदा बहुतों ने 125 के हिसाब से खरीदा, तो कंपनी अपना दाम 125 या 120 या 130 कुछ ऐसे सेट कर देती है, और जिन्होंने उस रेट से अप्लाई किया होगा उनको मिल जाता है, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उस रेट से उनको नहीं मिल पाता है। तो ये होता है बेसिकली आपके बुक बिल्डिंग में। अब बुक बिल्डिंग का प्रोसेस क्या है, बुक बिल्डिंग का पूरा प्रोसेस 5 स्टेप्स का होता है। सबसे पहला होता है चूजिंग द इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होता है भैया, तो एक बैंकिंग कंपनी या फिर कोई कॉरपोरेटिव भी हो सकती है जो कि आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर के तरह काम करता है उस कंपनी के लिए, उसके सारे चिट्ठे पिट्ठे की कितने की शेयर कैपिटल होने जा रही है, कितना आपको पैसा रेज करना है पब्लिक से, कितने का पर शेयर, ये सब कुछ एक इन्वेस्टमेंट बैंकर देखती है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर ढूंढना जरूरी होता है हर कंपनी को। इन्वेस्टमेंट बैंकर जैसे ही मिल जाए तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट बैंकर ही ढूंढना काम होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर आगे का सारा प्रोसेस लेने लगता है बुक बिल्डिंग का। एक्चुअली सेकेंड होता है आपको लॉन्च करना शेयर्स को। तो जैसे कि अगर SBI कार्ड्स की बात करें तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकर चुन लिया। सेकंड हुआ, उन्होंने अपना एक डेट फिक्स किया, जहां पे डेट रेंज निकाला जहां पे
आप एसबीआई के कार्ड्स के एसबीआई कार्ड्स के आईपीओ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने शेयर्स के लिए बिड कर सकते हो। तो वो क्या है, 2 मार्च से 5 मार्च, तो अभी जैसे आज 2 मार्च है तो आप 2 मार्च से 5 मार्च तक इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया सेकेंड प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस होता है फाइनलाइजिंग द टोटल शेयर्स प्राइसेस, मतलब कि अब जब जितने बेसिस पे उनके इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगे, 11 तारीख को है उनका, तो 2 से 5 तारीख के बीच में अब जितने उनको इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगे, 750 के बेसिस पे मिले, 51 के बेसिस पे, 52, 53, 54, 55 जितने के भी बेसिस पे मिले, 750 से लेकर 755 तक, एक बार जब उनके पास वो रिसीविंग आ जाएगी तो उसके बेसिस पर वो अपना शेयर का प्राइस सेट कर लेंगे, जो कि मैंने आपको बताया बुक बिल्डिंग में होता है। फिर चौथा प्रोसेस होता है पब्लिसाइजिंग। पब्लिसाइजिंग मतलब अब जब ये हो गया तो उसके बाद अपना एक रेट सेट करके पब्लिक हो जाते हैं, मतलब अपने आप को लिस्ट कर दिया जाता है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, एनएससी बीएससी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एसबीआई कार्ड्स एनएससी और बीएससी दोनों पे लॉन्च होने जा रही है, तो इसीलिए आपको ये हो जाएगी 12 या 13 तारीख को अपना पब्लिसाइज हो जाएगी। और पांचवा होता है अलॉटमेंट एंड सेटलमेंट। अब जब पब्लिक हो गई तो आपको अलॉट, आपको सारे आपके जो भी अपने शेयर्स खरीदे हैं, जिन लोगों ने खरीदे उनको अलॉट कर दिए जाते हैं, कुछ रिफंड्स होते हैं उन रिफंड्स को दे दिया जाता है, जिनको मिल जाता है उनके अकाउंट डीमैट अकाउंट में भेज दिए जाते हैं, जिनको नहीं मिलता है उनके पैसे वापस रिफंड कर दिए जाते हैं। तो ये टोटल प्रोसेस होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या बुक बिल्डिंग प्रोसेस ज्यादा अच्छा है या फिक्स्ड प्राइस मॉडल ज्यादा अच्छा है? तो आपको ज्यादा अच्छा जो भी लग रहा हो, लेकिन मेरी मानिए तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस ही ज्यादा अच्छा है। हर कंपनी बुक बिल्डिंग प्रोसेस पे ही जाती है, क्योंकि फिक्स प्राइस से बहुत दिक्कत होती है। अगर मान के चलिए मैंने 500 रुपये फिक्स कर दिया, लोगों को मेरा वैल्यू 200 रुपये लग रहा है तो वो तो नहीं खरीदेंगे। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ओवर सब्सक्राइब, मैंने एक तरह से ओवर प्राइस कर दिया अपने शेयर्स को, उससे क्या होगा कि मेरे को पैसे ही नहीं मिलेंगे और मेरे पास कोई एज अ कंपनी मेरे पास कोई पैसे ही नहीं आएंगे, मेरे शेयर्स ही नहीं ओपन बिक पाएंगे जितना मैंने सोचा भी होगा। प्लस दूसरा इसका वाइजे वर्सा लेके चले, अगर मैंने प्राइस 200 रखा लेकिन लोगों को 500 रुपये लग रहा था, तो इससे क्या हुआ, सब लोग खरीद लेंगे आपके प्राइस 200 पर और आपको देने भी पड़ जाएंगे 200 पर, आप बढ़ा के नहीं मांग सकते अब। और लेकिन आपसे इसका इससे क्या लॉस हो रहा है, आपका एक्स्ट्रा कैपिटल लॉस हो रहा है, जो आप ज्यादा पैसे उठा सकते थे मार्केट से लेकिन आपने फिक्स प्राइस करके वो लॉस कर दिया। तो यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ लें, और कोई टॉपिक आप चाहते हो जिस पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज मेरे लिए जरूर करिएगा, एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मेरे साथ बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।